पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आवण राजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आवण राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले शंकर जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में। जबलपुर शहर ही क्या पूरा भारतवर्ष विघ्न विनाशक की भक्ति में लीन हो गया है। रिद्धि सिद्धि प्रदान कर जगत में सुख शांति का आशीर्वाद देने वाले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की आराधना में नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के भक्त भी लीन है। घरों के अलावा मंदिर एवं सार्वजनिक समितियों द्वारा पार्वती नंदन की स्थापना कर वंदन किया जा रहा है। लड्डुओं मोदक पुष्प माला के साथ गजानन का अभिषेक एवं पूजन कर सुख समृद्धि की कामना भक्त जनों द्वारा की जा रही है। नगर में सार्वजनिक गणेश उत्सव समितियों द्वारा स्थापित गणेश प्रतिमाओं को आकर्षित बनाने आधुनिक साज सज्जा के साथ मन लुभावनी बनाया जा रहा है। वहीं मंदिरों में भजन आरती आदि कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है।
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश। मूर्ति है बुंदेलखंड शैली से बनी हुई है, बुंदेलखंड शैली से बनी हुई है और ये प्राचीन शैली है जबलपुर की, शायद आपको पता होगा है ना, और बहुत प्रसिद्ध शैली है ये भी। उस समिति ने स्थापित की मूर्ति श्री स्वस्थी गणेश उत्सव समिति ने स्थापित करी है मालवी चौक पर, और मैं चाहता हूँ कि सारे संस्कार धानी वासी यहाँ पे आए और एक बार दर्शन जरूर करें।